अस्सलामुअलैकुम। डर्मेटोलॉजी मॉड्यूल में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ड्रग रैशेस। इसमें जो है आपके पास तीन इंपॉर्टेंट नाम है, जिसमें स्टेमन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस एंड एरिथमा मल्टीफॉर्म। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेमन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। बेसिकली इसको जो है स्टडी गाइड में अलग अलग से लिखा हुआ है, बट द थिंग इज़ दैट ये दोनों सेम कंडीशंस होती हैं। बट जो डिफरेंस है ना वो ये है जो ये रेड कलर से लिखा है। मैं आपको समझाती हूँ क्या डिफरेंस है। दोनों डिजीज़ेस रेयर हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग रिएक्शंस हैं। बेसिकली ये रेयर केसेस हैं, इतने कॉमनली नहीं मिलते आपको। लाइफ थ्रेटनिंग अगर किसी में हो जाए तो फेटल हो सकते हैं ये। ड्रग इंड्यूस्ड, कोई दवाई लेने के बाद ये रिएक्शन होता है। और कैसे होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी आपकी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहाँ होगा? स्किन में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में। सो इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? ये टाइप 4 रिएक्शन है। टाइप 4 क्यों है? बेसिकली दवाई खाते ही फ़ौरन से रिएक्शन नहीं होता, थोड़ा सा लेटेंट पीरियड होता है, आपकी इम्यूनिटी इतने में एक्टिवेट होता है, सारे आपके टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आते हैं और वहाँ पे फिर रिएक्शन कॉज करते हैं, तो देयर वुड बी लेटेंट पीरियड। तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना। व्हाट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द SGS एंड देन? सो इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है, जो बॉडी सरफेस एरिया है अगर वो लेस देन 10% इन्वॉल्व है, डेट मीन्स इट इज़ SGS, और मोर देन 30% इन्वॉल्व है, सीवियर फॉर्म है, डैट मीन्स इट इज़ 10। सो ये इसका बॉडी सरफेस एरिया याद रखिएगा, BCQ में पूछा जाता है। लीजन की बात की जाए तो लीजन हमारे पास कैसी होती है? इट इज़ अ म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर। म्यूकोक्यूटेनियस क्यों? क्योंकि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा होता है। करेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड पेनफुल एरियाज ऑफ द एपिडर्मल डिटैचमेंट एंड इरोजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी जो इसमें एपिडर्मिस के बीच में जो एडहेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और पेनफुल इरप्शंस हो रही होती हैं, और साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरोजन्स हो रही होती हैं। सो दिस इज़ अ वाइड स्प्रेड लीजन, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट के, फॉर एग्जाम्पल हाथ के इस कॉर्नर पर एक लोकलाइज लीजन, नो, ये पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो रहा होता है। इसमें एपिडर्मिस में डिटैचमेंट हो रही होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इरोजन्स हो रही होती हैं। साइट जो होती है जो मोस्ट कॉमनली जिनको ये अफेक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ द आईज। आईज में याद रखिएगा, क्योंकि आईज में इसके कॉम्प्लिकेशन बताऊंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ में बिकॉज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनिटेलियाज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फीवर, मलेज मिल रहा होता है, कोरिजल सिम्टम्स लाइक का फ्लू लाइक सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, स्किन पेन होता है। स्किन पेन जो होता है वो कैसे अपेयर हो रहा होता है, कि ये फर्स्ट क्यूटेनियस म्यूटेशन होती है प्रियर टू द अपेयरेंस ऑफ रैशेज, यानी रैश अपेयर होने से पहले ही आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको स्किन में ना दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। सो वो हमारे पास स्किन पेन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है। कॉजेज वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्पी पॉइंट, कॉजेज क्या होती हैं इसकी। मेडिकेशंस मोस्ट कॉमन कॉज है, ड्रग इंड्यूस्ड पहले ही बता दिया था। कौन सी मेडिकेशंस? एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी गाउ जिसमें एलोप्यूरिनोल्स आ जाती हैं, एंटी कन्वल्सेंट में कार्बामेज़िपिन और ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं। देन वी हैव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी करवा सकते हैं स्टेमन जॉनसन सिंड्रोम, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, देन HIV मेडिकेशंस वगैरह और एनसेड्स। ये सारी मेडिकेशन है डैट मे सुपर इम्पोज टूवर्ड्स द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लीडिंग टू द स्टेमन जॉनसन सिंड्रोम। इन्फेक्शन में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशंस में पॉक्स वायरस की वैक्सीनेशन, देन मेलिग्नेंसीज भी जो होती हैं वो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है सो उसकी वजह से ड्रग रैशेज हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको स्कोरिंग बता रही हूँ, वो बहुत अच्छे से याद करनी है। नाउ वी हैव 10 स्कोर स्क्रोटिन सिस्ट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इससे आप पेशेंट की सीवियरिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, कि पेशेंट कितना सीवियर है, इसके लिए हमने कितने किस हद तक मैनेजमेंट करनी है और इसका मोर्टिलिटी रेट क्या होगा। सो अब सबसे पहले आप इस पार्ट को छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास 7 पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर का एक नंबर है, ठीक हो गई यहाँ तक बात। एज है अगर मोर देन 40 ईयर्स है सो आप उसको 1 स्कोर करेंगे। हार्ट रेट मोर देन 120 बीट्स पर मिनट है सो यू विल स्कोर इट 1। कैंसर है अगर स्पेशली हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है या कोई और भी कैंसर है सो दैट वुड बी स्कोर एज 1। बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 10% इन्वॉल्व हो रहा है
सो वो भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी हम 1 नंबर देंगे। देन सीरम यूरिया मोर देन 10 mmol/L है, सो वो 1 स्कोर करेगा। सीरम बाइकार्बोनेट 20 mmol/L से कम है, सो डैट वुड बी 1 स्कोर। एंड सीरम ग्लूकोज मोर देन 14 mmol/L है। नाउ 14 mmol जो है ये हमारे पास मोल्स में है। नाउ अगर बात की जाए मिलीग्राम में, सो 240 mg/dL से ज़्यादा होना चाहिए। सो अब ये 7 नंबर हो गए टोटल, हर किसी को हमने एक एक नंबर दिया तो टोटल कितने हो गए 7। अब अगर आपकी स्कोरिंग, अब यहाँ पर आएंगे, अब अगर आपकी स्कोरिंग जो है वो 0 to 1 के बीच में है, सो 3% मोर्टिलिटी रेट है पेशेंट का। अगर 2 है यानी 2 चीज़ें पॉजिटिव आ रही है पेशेंट में, डैट मीन्स 12% है। अगर 3 चीज़ें हैं तो 35% मोर्टिलिटी रेट है। अगर 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं, 4 पैरामीटर्स मिल रहे हैं ना पेशेंट, सो 58% मोर्टिलिटी रेट है। और मोर देन 5 है तो 90% देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेथ। होप सो समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो हिस्ट्री की बेसिस पे, हिस्ट्री में आपने जो किस क्वेश्चन पे एम्फसाइज करना है डैट इट इज़ कि देयर वुड बी एनी ड्रग रिएक्शन हिस्ट्री प्रीवियसली और रिसेंट कोई नई दवाई इस्तेमाल की होगी। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको नेक्रोटिक एपिथीलियम नज़र आ रही होगी, कैरेटिनोसाइट्स की एपोप्टोसिस नज़र आ रही होगी, नेक्रोसिस है ना ये सारी, और पूरा वो एपिथीलियम ख़त्म हो रही है, कैरेटिनोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एपिडर्मल डिटैचमेंट हो रही होगी। मैनेजमेंट क्या होती है, SJS के पेशेंट को फ़ौरन से हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वार्ड में नहीं ICU में किया जाता है। साथ ही साथ जो भी ड्रग्स रिसेंटली उसने यूज़ की है या आपको सस्पेक्ट करें कि हाँ ये इसकी वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल है पेशेंट बोल रहा है मैंने लास्ट सल्फोनामाइड यूज़ किया और उसकी वजह से उसके बाद मुझे ये सब कुछ हुआ है, तो आपने वो सल्फोनामाइड रोक देनी है। देन फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस ठीक करना है। अच्छा, स्किन लॉस जो है और स्किन फ्रजाइल हुई हुई है तो इसके लिए जो है आपने क्या करनी है, एक नॉन एडहेरिंग ड्रेसिंग करनी है। एडहेरिंग नहीं करनी क्योंकि स्किन फ्रजाइल हुई है तो जब आप ड्रेसिंग को हटाएंगे ना तो साथ में स्किन आ जाएगी, सो उसके लिए आपने क्या करना होता है, नॉन एडहेरिंग ड्रेसिंग करनी होगी। उसके बाद जो है ये पेशेंट क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन डिटैच हुई है, पूरा वो स्किन का बैरियर ख़त्म हो चुका है तो सुपर इम्पोज हो सकता है टुवर्ड्स मेनी इन्फेक्शन, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद ड्रग्स देनी है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, साइक्लोस्पोरेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थाइलोडोमाइड एंड इन्फ्लिक्जिमैब, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, ये आप देंगे बिकॉज ये हमारे पास एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए आप ये सारे ड्रग्स देंगे पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने बताया था ये आई को इन्वॉल्व करता है तो डैट मे लीड टू द ब्लाइंडनेस, जेनाइटल ट्रैक को इन्वॉल्व करता है तो स्टेनोसिस ऑफ द ओपनिंग हो सकती है एंड ओरल कैविटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ड्राइनेस हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। अब बात करते हैं एरिथमा मल्टीफॉर्मस। एरिथमा का मतलब है रेडनेस एंड मल्टीफॉर्म का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, यानी मैक्यूल भी होगा, पेप्यूल भी होगा, वेजिकल्स भी होंगे, बुलाई भी होंगे। अच्छा, ये जो होता है हमारे पास एरिथमा मल्टीफॉर्मस की बेसिक तो मैंने आपको बता दी कि लीजन्स कैसी होती हैं। इसमें एक खास लीजन मिलती है, डैट इज़ द टारगेट लीजन। टारगेट लीजन की भी पिक्चर भी आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसको कैसे देखना है आपने, सेंटर में ना, सेंटर में क्या है, एक नेक्रोज्ड रेड एरिया है, उसके अराउंड एक पेल इंड्यूरेटेड जोन है, फिर उसके अराउंड एक रेड एरिथमेटस रिंग बन जाती है। तो सेंटर में रेड नेक्रोज्ड एरिया, पेल इंड्यूरेटेड जोन, देन रिंग होगी रेड कलर की। ये है इसकी एक टारगेट लीजन जो कि इसकी स्पेसिफिक लीजन है, आपने अच्छे से याद रखनी है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है इसमें भी। कॉजेज में इसके इन्फेक्शन आ जाते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली HSV-1 एंड HSV-2, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 एंड 2, जिसकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होगी अल्सर्स हो रहे होंगे लिप्स और जेनाइटल्स पे। माइकोप्लाज्मा निमोनिया आ जाता है जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफ, चेस्ट पेन के सिम्टम्स होंगे। देन हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, एप्स्टीन-बार वायरस, एडीनोवायरस, ये सारे हमारे पास फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह के साथ आ सकते हैं। मेडिकेशंस में सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन एंड माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स। कैंसर्स में यहाँ पे लिम्फोमा है, अगेन ब्लड मैलिग्नेंसी। साइट की अगर बात की जाए सो देयर विल बी सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी। सो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट में क्या कौन कौन सी साइट आ जाती हैं, पाल्म्स, सोल्स, डिजिट्स, एल्बोस का रीजन, नी का रीजन एंड फेशियल साइट। उसके बाद बात करते हैं पैथोजेनेसिस की।
सो हमारे पास जो एरिडमा मल्टीफॉर्म है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कैरेटिनोसाइटिक इंजरी। अब ये कैरेटिनोसाइट की इंजरी किस वजह से हो रही होती है? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इनको इंजर कर रहे होते हैं। टारगेटेड लीजन जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल नेक्रोसिस, एरिडमेटस एरिया, देन पेल इंड्यूरेटेड जोन और उसके बाद एरिडमेटस रिंग नज़र आ रही होती है आपको। इसकी दो टाइप्स हैं, मेजर एंड माइनर। जो मेजर है इसमें जो है क्या इन्वॉल्वमेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। सो मेजर में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है जो कि ओरल कंजक्टिवा जेनाइटल्स की रीजन में इन्वॉल्व हो रही होती है, और जो क्यूटेनियस रैशेज होते हैं वो लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया पर होते हैं। जबकि माइनर में क्या होता है, कोई म्यूकोजन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही ओरल, ना ही कंजक्टिवा, ना ही जेनाइटल्स। क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें सिमेट्रिकल टारगेटेड लीजन्स मिल रहे होते हैं। मैनेजमेंट की बात की जाए तो देयर वुड बी फ्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्टॉपेज ऑफ द कॉजेटिव ड्रग जैसे कि हमने स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में किया था। इन्फेक्शियस कॉज को ट्रीट करेंगे, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट आप एसाइक्लोविर दे सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि अभी जो है ना ये लेस देन 10% ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है। हो सकता है कि अगर आपने इसे ट्रीट ना किया तो ये मोर देन 10% को इन्वॉल्व कर जाए, सो डैट में लीड टू द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस करवा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्रग रैशेस। होप सो समझ